सो फाइनली मेरा सारा एसेसरीज जो है आ चुका है। अरे बाप रे, 20 गो आइटम लिया, अभी टोटल हुआ है 8109। अभी भी कुछ पार्ट्स जो है अभी नहीं है। तो गाइस देखो, एक येलो कलर का आया है, एक ब्लू कलर का आया है, और बहुत ही सस्ते दाम में, क्योंकि आप लोग अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं पे जाओगे तो 3-3.5 हज़ार का नीचे ये होगा नहीं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा, आय हाय क्या लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा। और यहाँ पे पिंक कलर का भी है, मतलब लड़की लोग भी अपना हेलमेट में लगा सकता है। तो भैया प्राइस कितना है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त राहुल। तो गाइस अभी पूरा पूरी मैं रिकवरी हो चुका हूं और अभी से थोड़ा बहुत जो है राइड स्टार्ट कर दिया हूं। और आप लोगों से लास्ट वीडियो में बताया, मतलब मैंने बोला ही था कि मैं एक लॉन्ग राइड का प्लान कर रहा था, तो फाइनली वो राइड का डेट फिक्स हो चुका है। 25 अक्टूबर को हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, मतलब 25 अक्टूबर को जो है एकादशी है, दसवीं में हम लोग का प्लान था निकलने का, लेकिन दसवीं में नहीं निकल सकते, तो इसलिए हम लोग 25 अक्टूबर को डेट किया है। और अभी पीछे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लगेज ऑलरेडी मतलब पैक हो चुका है, और राइड के लिए कुछ कुछ सामान भी लिए थे, तो उसके बारे में भी आप लोगों से मतलब बातें करना था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि बाइक में जो सर्विसिंग करवाना है, तो अभी पूजा का टाइम है, तो एसेसरीज मतलब क्या होता है कि शोरूम में नहीं, शॉर्टेज हो जाता है, क्या कि बहुत सारा बाइक से सर्विसिंग कराने घुसता है, तो इस वजह से क्या होता है ना, बहुत पार्ट्स शॉर्टेज पड़ जाता है, तो इसलिए वो वाला प्रॉब्लम में मैं ना फंसूं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी जाके कुछ पार्ट्स जो है, एसेसरीज जो मेरा बदलने वाला है, वो अभी परचेस कर लूंगा, अभी से रख दूंगा। जब मेरे को निकलने का डेट आएगा 25 अक्टूबर से पहले, कभी भी मैं सर्विसिंग करवा लूंगा। तो अभी जो जो एसेसरीज मैं लेने वाला हूँ, बहुत सारा एसेसरीज है, पता नहीं कितना मतलब बिल होने वाला है, चलते हैं। तो अभी जाएंगे पहले बाइक का शोरूम, पहले एसेसरीज देख लेंगे क्या क्या है, कुछ होगा तो ले लेंगे बजट के हिसाब से, और फिर फॉग लैंप भी ठीक करवाना है, बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है, तो एक के बाद एक करना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली टार्जन को दे दिए हैं वार्म अप उन्हें, तो ये वाला टेल बैग मैंने खरीदा था प्रीता का दुकान से, जो कि बहुत मतलब एक तो मजबूत है, ऊपर से रेन लाइनर की वजह से ये बहुत मतलब प्रोटेक्टिव भी है, जितना भी जोर से पानी आ जाए, मतलब अंदर वाला जो भी सामान रहता है बहुत अच्छा रहता है और बहुत परफेक्टली बैठा रहता है। थोड़ा सा मूव करता है ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग राइडिंग कोई इशू नहीं होता है। और ये लिए हैं, इसका साथ साथ एक ओराजो का बूट लिए हैं जो कि हाईनेक वाला, और भी छोटा मोटा बहुत कुछ लिए हैं, धीरे धीरे आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा बाइक को घुमा के दिखा देते हैं आप लोग को। और इस साइड का जो फॉग लैंप है, ये एक्चुअली पानी चल जाने की वजह से थोड़ा जो है अभी काम नहीं कर रहा, तो इसलिए उसको भी रिपेयर करने देना है। और इधर में ठीक ठाक ही है, क्योंकि पानी का स्प्रे की वजह से इधर पीछे वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा ओपन है, तो इस वजह से इधर से पानी चला गया है, तो इसलिए अभी काम सही से नहीं कर रहा, तो उसको रिपेयर करने दे देंगे और फिर चलेंगे शोरूम में जाके जो जो एसेसरीज लेना है वो ले लेंगे। तो इसको वार्म अप होने दे देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से रोड पे जाके। 12 seconds later. तो गाइस आज है राधा अष्टमी, तो मैं चाहूंगा कि मेरा कमेंट में हर कोई प्यार से राधे राधे लिख दे। तो अभी जा रहे हैं, पहले शोरूम जाएंगे, क्योंकि सामने जो है थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म मेरे को दिखा, तो अगर बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो कहीं पे रुक जाऊंगा। और बारिश का भी मतलब आप लोग देख ही सकते हैं, रोड वोड पूरा भीगा हुआ है, और उसका ऊपर से ये बाबासीर काम चल रहा है अभी। तो गाइस बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, और मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, क्योंकि इतना दिन से मैं वीडियो नहीं डालने से मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि मैं निकल भी नहीं पा रहा था, और ऊपर से वीडियो नहीं डाल बनाऊंगा तो मेरा दिमाग और ख़राब होने लगता है। तो अभी थोड़ा सा जो है अच्छा लग रहा, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं सही से निकल पाया हूँ, मतलब वो खुल के निकल पाया हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत दिन ना निकलने से ना थोड़ा सा माइंड जो है मतलब कैसे कंजस्टेड वाला हो जाता है, मतलब बात करने में थोड़ा मतलब अलग टाइप का सिचुएशन आ जाता है, मतलब बात नहीं, मतलब बात अटक जाता है, कुछ बोलने जाता है भूल जाते हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा हालत मेरे साथ हुआ था, क्योंकि कम से कम एक महीने के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और फिर लास्ट टाइम जो कुछ दिन पहले निकले थे वीडियो बनाने, तो मैं क्या हुआ था कि बहुत कोशिश कर रहा, मतलब वो मैंने विश्वकर्मा पूजा के रिलेटेड वीडियो बनाया था, अब प्रॉब्लम ये हो रहा था ना कि सही से बोल नहीं पा रहा था। अब भाई साहब 3 मिनट का वीडियो मैं 18 मिनट का मतलब
टान दिया था वीडियो बनाते बनाते, तो इसलिए क्या किया मैं वीडियो डिलीट कर दिया। अरे यार गाइज, मैं तो आप लोगों से बात करते करते राइड के बारे में बोलना भूल ही गया। तो गाइज आप लोग गेस करो कि कहाँ मैं राइड में जा सकता हूँ, और हिंट दे सकता हूँ लेकिन ऐसा प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा हिंट दूंगा तो आप लोग पकड़ लोगे कहाँ जाने वाला हूँ। तो आप लोग गेस करो, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ एक दो हिंट देने का। जैसे पहला बात है कि मैं पहाड़ में जाऊँगा, ये तो मतलब एकदम पहाड़ी जाऊँगा, ये तो सब जानता है, ठीक है। दूसरा बात यह है कि ये कैसे बोले, ये वाला हिंट दे देंगे तो आप लोग पकड़ ही लोगे, ठीक है। चलो थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं कि मैं जहाँ जाने वाला हूँ वो चाइना बॉर्डर है, मतलब चाइना बॉर्डर का पास, मतलब प्रॉपर चाइना बॉर्डर में नहीं जाऊँगा, चाइना बॉर्डर के पास वाला लोकेशन में। अब इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दूंगा, इससे ज़्यादा हिंट दूंगा तो आप लोग पकड़ लोगे कि कहाँ जाने वाला हूँ। तो आप लोग गेस करो, और गेस करके कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कहाँ मैं जा रहा हूँ। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। सो गाइज आ गए हैं पार्ट्स पे, और सारे माल जो मैं फ़ोन करके लोग को बोला था रेडी रखने का, देख लेते हैं। भैया प्रोडक्ट रेडी है ना? अच्छा थोड़ा मिला लीजिए ना, क्या क्या है? क्लच हाउसिंग, तो गाइज ये सारा कुछ आइटम, मतलब बोल देखा जाए तो गाड़ी पूरा नया ही हो गया, ठीक है, क्योंकि ये हो गया क्लच हाउसिंग, ठीक है, ये हो गया क्लच का सारा हब, क्लच प्लेट को लेके, फिर ये हो गया पूरा क्लच का मॉड्यूल, और ये हो गया रेसर, एनजीके का स्पार्क प्लग एंड एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, ब्रेक पैड आ रहा मेरा, सब कुछ मिला के 6,000 से 7,000 का बिल होने वाला है। मीनवाइल सो फाइनली मेरा सारा एसेसरीज जो है आ चुका है। अरे बाप रे, 20 आइटम लिया, अभी टोटल हुआ है 8,109। अभी भी कुछ पार्ट्स जो है अभी नहीं है, क्योंकि जो है अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कार्टन का अंदर है, तो इसको निकालना होगा, फिर इसको रजिस्टर होगा सिस्टम पे, फिर जाके दिया जाएगा। तो अभी जो जो मिला 20 आइटम मेरे को मिल चुका है, और ये मेरा लगेज रेडी है। थैंक यू सो मच। अरे बाप रे काफ़ी भारी है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलो टाटा। तो गाइज फाइनली सारा एसेसरीज ले लिया हूँ, एक दो एसेसरीज मेरे को नहीं मिला क्योंकि अभी वो बक्सा में रहने की वजह से अभी वो लोग बोला कि इसको निकालना है, फिर रजिस्टर करवाना है, फिर जाके आप लेके जाइएगा। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, जब लगाने आएंगे तभी ले लेंगे। तो अभी आज का जो बिल हुआ है वो 8,109। भाई साहब, मतलब मेरे हिसाब से गाड़ी का बॉडी पार्ट और चेसिस छोड़ के पूरा गाड़ी का सारा जो पार्ट्स होता है सारा कुछ खरीद लिया। तो मतलब भाई भाई इतना सोचे नहीं थे कि इतना ज़्यादा बजट खर्चा होने वाला है। तो ठीक है कोई बात नहीं, टर्जन के लिए सब कुछ, मतलब सब कुछ राजी हूँ मैं, ठीक है। और एक बार इतना दूर आए हैं तो थोड़ा प्रीत दा से मिल के चलते हैं, एक बार देखिए। हाँ प्रीतदा का दुकान पूरा खचाखच भरा हुआ है, और अभी प्रीतदा जो है कुछ आइटम्स लाया है जो कि है बनी हेलमेट्स, बनी हेलमेट कवर ग्लू कोई। तो गाइस देखो, एक येलो कलर का आया है, एक ब्लू कलर का आया है, और बहुत ही सस्ते दाम में, क्योंकि आप लोग अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं पे जाओगे तो 3,000-3,500 का नीचे ये होगा नहीं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा, आय हाय क्या लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा, और यहाँ पे पिंक कलर का भी है, मतलब लड़की लोग भी अपना हेलमेट में लगा सकता है। तो भैया प्राइस कितना है? 850। तो गाइस 850 बहुत ही अच्छा प्राइस है, क्योंकि अगर ऑनलाइन में आप लोग लेने जाइएगा तो कम से कम 3,000 से 3,500 के बीच इसका प्राइस आता है, और बहुत ही अच्छा फिटिंग है। मेरा वाला ब्लू कलर का लिया हूँ मैं, अपने बाइक का कलर का ही लिया हूँ, तो आप लोग को वो फ़ोटो मैं अपना जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें डाल दूँगा, उसमें आप लोग देख पाएंगे। और यहाँ पर येलो कलर का, इसको भी एक बार ओपन कर लेते हैं, कहाँ से ओपन है,
किधर है पैकेट, ये हो गया इसका ओपन। तो गाइस 850 बहुत ही कम प्राइस, बहुत ही चीप प्राइस में आप लोग को मिलेगा। और यहाँ से जिनको लेना है तो आजमानी मोटरसाइकिल्स में आके प्रीत भैया से संपर्क करें। बहुत ही सुंदर आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सा आँख है और बहुत ही सुंदर सा। आज ही मैंने एक भैया को देखे कि यामाहा का कुछ बाइक था, बाइक क्या था पता नहीं, उसका हेलमेट ही मैं देख रहा था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसका भी येलो, अच्छा येलो कलर का कोई लेके गया है ना? हाँ देखिए, आज यामाहा का शोरूम में आया था तो कौन सा गाड़ी था पता नहीं लेकिन अच्छा लग रहा था देखने में। तो मेरा वाला है, उसका फार थोड़ा ज़्यादा है, इसका फार थोड़ा कम है, मेरा वाला थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, यहीं से लिया है ठीक है। और उसका फ़ोटो आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिलेगा और जिसको लेना है तो प्रीत भाई से संपर्क करें। सो गाइस फाइनली सारा कुछ एसेसरीज लेके अभी चलते हैं घर, और बजट थोड़ा हिल चुका है, जितना सोच के आए थे उससे ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा गाली सुनने को मिलेगा घर में। तो कोई बात नहीं, अब टारजान के पीछे तो इतना तो कर ही सकते हैं, प्यार है इसके ऊपर तो इतना खर्चा कर ही सकते हैं। तो आज का ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले कोई नए ब्लॉग पे, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट।